जिन व्यक्तियों ने असेसमेंट ईयर 23-24 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, उसमें रिफंड क्लेम किया है या फिर इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम की है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं, आपको इसका जवाब कैसे देना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, लेकिन इनकम कमाने के बाद उस पर टैक्स देना और इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप आसानी से इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत टैक्स पेयर को, जहाँ पे के टैक्स पेयर को कहा गया है कि टैक्स पेयर ने असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी और अब ये नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल लेने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना है कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 23-24 में इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया है और बहुत सी एग्जम्पशन क्लेम की हैं, जैसे कि सेक्शन 10, सेक्शन 24 या फिर चैप्टर 6A के अंतर्गत डिडक्शन, जैसे कि ATC, ATD, ATDDB, ATGGC, ATU इट एक्स्ट्रा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा मांगी गई है सेक्शन 133 के अंतर्गत इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133 ये कहता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है टैक्स पेयर से ताकि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने जैसे कि हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम की है या PPF LIC की डिडक्शन क्लेम की है, तो उससे रिलेटेड अब ये प्रूफ मांगे गए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और नीचे दी गई जानकारी मांगी गई है। तो टैक्स पेयर ने जो इनकम टैक्स में डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन क्लेम की है उससे रिलेटेड प्रूफ मांगे गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर ने फ़ोन नंबर 16 जारी किया है, सैलरी के केस में जब TDS सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उस केस में फ़ोन नंबर 16 जारी किया जाता है, तो उसका जो कॉपी है वो मांगा गया है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा फ़ोन नंबर 12BB मांगा गया है, जो कि आपको सबमिट करना होता है अपने एम्प्लॉयर के पास, यानी कि आप कौन सी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, HRA की या फिर LTC की या फिर होम लोन पे इंटरेस्ट पेबल की आप डिडक्शन क्लेम करते हैं या फिर PPF एक्स्ट्रा की, तो उस केस में आप ये फॉर्म अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करते हैं, तो इस फॉर्म की कॉपी भी आपसे मांगी गई है। तो इस प्रकार जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो आप ये इंश्योर करें कि आपके ये सभी एविडेंस आपके पास हों, क्योंकि बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर इन एविडेंस को कभी भी आपसे मांग सकता है, खास करके फ़ोन नंबर 12BB जो कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट कर देते हैं। तो यदि आप इसकी अपने पास कॉपी नहीं रखते हैं तो अब से आप इसकी कॉपी अपने पास रखनी शुरू कर दीजिए और अपने क्लाइंट को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि बाद में यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो क्या इस नोटिस का जवाब आपको फिजिकली देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके? आंसर है नहीं दोस्तों, ये आप ऑनलाइन रिप्लाई देंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद ई प्रोसीडिंग में जाके आप इस नोटिस का जवाब देंगे। तो इनकम टैक्स का नोटिस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत आप यहाँ पे नोटिस देख पाएंगे। सेल्फ के अंतर्गत यदि आपको कोई नोटिस जारी किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसका कि आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। इसके अलावा आप कॉम्प्लायंस पोर्टल पर जाके भी नोटिस जारी देख सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपको कोई इंक्वायरी तो नहीं भेजी गई है जिसका कि आपको जवाब देना होता है। तो इसके ऊपर आप सेपरेट वीडियो सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 की भी अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको फाइल करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में उसका प्रूफ अपने पास जरूर रखें और अपने क्लाइंट को भी इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि इसकी इंक्वायरी की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, खास करके जब आप इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो रिफंड क्लेम करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये प्रूफ मांग सकता है कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की है उसके प्रूफ आपको सबमिट करने हैं।
आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे आई टी आर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे कि हमने 41 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है, ताकि आप समझ पाएँ कि असेसमेंट ईयर 24-25 की आपको आई टी आर कैसे फाइल करनी है। इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो के लिए वीडियो सेक्शन में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से चेंजेस कर दिए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।